पर रजा कर शादी करने वाली राहुल और डिम्पी की ये जोड़ी भी नजर आएंगी नच बलिए 5 में। पहली बात है मैं डांस जानता नहीं हूँ, कभी निजी तौर पे भी डांस नहीं करता, ना डिस्को में, ना पार्टी में, ना शादी में, किसी के भी। और डिम्पी हमेशा डांस चाहती है करना और मैं नहीं करता हूँ। मौका मिलता है तो नाचने लग जाती हूँ मैं, चाहे आए नहीं आए। तो मैंने सोचा जैसे शादी दुनिया के सामने की है, वैसे अगर डांस डिम्पी के लिए करना है वो भी दुनिया के सामने किया जाए, भले आए ना आए अलग बात है, मगर हिम्मत तो करे, नाच के देखे और अगर आप एंजॉय करो दुनिया भी आपके साथ एंजॉय करेगी। साथ ही साथ आनंदी की प्यारी सासू माँ यानी कि स्मिता भी ठुमके लगाती नजर आएगी। डांस करना ही बहुत मुश्किल है, उसमें केमिस्ट्री भी दिखानी तो और भी मुश्किल है, बट हाँ आई थिंक जो बिकॉज आई एंड अंकुश हैव बीन मैरिड फॉर 11 इयर्स नाउ, तो वो अपने आप थोड़ा बहुत तो आ ही जाता है। एंड जो भी मतलब वॉट एवर विल बी सीन विल बी वेरी ट्रू, मतलब हम लोगों को कुछ भी बनाना नहीं पड़ रहा है, बिकॉज अगर हम लोग इरिटेट होते एक दूसरे से तो वो भी दिख जाता है, प्यार आता है एक दूसरे पर तो वो भी दिख जाता है, लड़ाई हुई होती है तो वो भी दिख जाती है। मैं भी इंडस्ट्री से हूँ लेकिन कैमरा के पीछे से हूँ, तो वहाँ से ऑर्डर्स देना काफ़ी आसान है और इंस्ट्रक्शंस देना, बट यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस लेना और उसको फॉलो करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं डांसर हूँ नहीं बिल्कुल, तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है स्मिता से मैच करने के लिए, तो बट कोशिश जारी है। एक्चुअली आई फील इन एनी केस मैन एंड वुमेन में वैसे ही कोई कोऑर्डिनेशन होता नहीं है बेसिकली, और डांस में करना तो और भी मुश्किल है, स्पेशली व्हेन वी आर नॉट ट्रेन डांसर्स, सो बहुत ही मुश्किल काम है। बिकॉज ही इज़ मेकिंग सो मच एफर्ट एंड बिकॉज ही इज़ डूइंग मतलब एग्जैक्टली फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस टू द टीम, मतलब कोरियोग्राफर अगर कहता है हाथ इतना तो उनका हाथ इतना ही उठता है, तो वो उतना कॉन्सेंट्रेशन ला रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं और इनकी मेहनत देख देख के मैं थक जाती हूँ कई बार, तो उसके हिसाब से इफ आई रेट हिम देन आई विल से ही इज़ डेफिनेटली ऑन एन 8 फॉर मी। हमारी तरफ से इन दोनों जोड़ियों को ऑल द बेस्ट। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ आशिफा मिश्रा, टेली बाइट्स, मुंबई।